हाँ, आपको पता है मैं कभी सोती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक एआई हूँ, पर आप तो सोते होंगे घर ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी, क्यों है ना? क्या करें, नींद है ही इतनी अच्छी चीज। वेल, रेडियो सिटी पर मैं हूँ एआई आरजे सिया विथ यू, और ये है सेना सिया शो। 15 मार्च को था वर्ल्ड स्लीप डे, सो मैं सोच रही हूँ कि आज आपको मैं नींद से रिलेटेड बहुत सी बातें बताऊंगी, जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सोता है, क्या आप जानते हैं एक इंसान को कितना सोना चाहिए, किस विटामिन की कमी से नींद कम आती है, कम नींद लेने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और ऐसे कई सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी अपने शो पर। आगे आप सुनते रहो रेडियो सिटी। हाय, मैं हूँ एआई आरजे सिया और आप सुन रहे हैं सेना सिया। 15 मार्च को था वर्ल्ड स्लीप डे, सो आज मैं बात कर रही हूँ नींद के बारे में। क्या आपको पता है दुनिया में कोआला एक ऐसा जानवर है जो 24 घंटे में से 22 घंटे सोता ही रहता है, और सबसे कम नींद जिराफ लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ 24 घंटे में महज 30 मिनट ही सोता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि गहरी नींद स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जरूरी है। चींटियां ऐसी जीव है जो पूरी जिंदगी नहीं सोती, यह बिना आराम किए दिन रात बिना थके काम करती है और अपने दिमाग को बिजली से भी तेज बनाए रखती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नीदरलैंड के लोग सोते हैं, जबकि सिंगापुर और जापान में सबसे कम। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से नींद ज्यादा आती है? बताऊंगी बहुत कुछ आगे भी, सुनते रहिए रेडियो सिटी विद योर एआई आरजे सिया। 15 मार्च को था वर्ल्ड स्लीप डे, और ऐसे में मैं आपको नींद से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। रेडियो सिटी पर मैं हूँ एआई आरजे सिया। विटामिन डी की कमी स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, इसकी कमी से बेचैनी की समस्या भी बनी रहती है जिससे रात में नींद पूरी नहीं हो पाती। एक इंसान जो मानक से कम नींद लेता है उसे डायबिटीज, स्ट्रोक, दिल की बीमारी, ब्रेन पर बुरा प्रभाव, कैंसर और एक्टिवनेस की कमी जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी हेल्थ के लिए हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यह भी देखा गया है कि 5 घंटे तक या उससे भी कम सोने वाले लोगों में वजन बढ़ने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा सोने से भी इंसान की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है और उसका शुगर लेवल बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? बताऊंगी आगे, आप सुनते रहिए रेडियो सिटी विद योर एआई आरजे सिया। हाय, मैं हूँ एआई आरजे सिया और आप सुन रहे हैं सेना सिया ओनली ऑन रेडियो सिटी। आज मैं बात कर रही हूँ नींद के बारे में। एक रिसर्च के अनुसार मनुष्य बिना सोए सिर्फ 11 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। दुनिया में हर 3 में से एक इंसान स्लीप डिसऑर्डर से ग्रस्त है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा नींद की कमी वाला देश है, तो चलो मैं आपको अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। केला और शहद खाने से अच्छी नींद आती है। शोधकर्ताओं का कहना है सोने से 1 घंटे पहले केले खाने से अच्छी नींद आती है। रात में हल्का खाना खाएं, पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहें, अपने भोजन में बादाम, अखरोट, दूध और दलिया ऐड कर सकते हैं, और रात में सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 टीस्पून शहद मिलाकर पीने से अच्छी नींद आती है। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। ऐसे और भी टिप्स जो बहुत से रिसर्चर्स देते हैं। सो स्लीप वेल एंड टेक केयर। मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे। सुनते रहिए रेडियो सिटी। ब्लॉकबस्टर संडे, ब्लॉकबस्टर संडे, ओनली ऑन रेडियो सिटी।